आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर। मैं बात कर रहा हूं पैंथर टायर्स की। So, हम आ चुके हैं व्यूज इस वक्त पैंथर टायर्स के प्लांट के अंदर, जहां पर टायर बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। व्यूज इस वक्त हम मौजूद हैं पैंथर टायर्स के सेमी फिनिश टायर सेक्शन के अंदर। सेमी फिनिश टायर का जो रिंग तैयार होता है, उसको फिर अब फिनिश टायर की शक्ल दी जाती है, और इस वक्त हम इनके फिनिश सेक्शन में मौजूद हैं। हमें इन्हें ओन करना चाहिए और यह बात याद रखनी चाहिए, बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे चैंप बाबर आजम भी इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह बाबर आजम ने कहा, पैंथर टायर का लेवल ही और है। और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर। ये पाकिस्तान की पहली और वाहिद टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो ना सिर्फ मोटर बाइक्स के टायर तैयार करती है, बल्कि मुख्तलिफ कमर्शियल व्हीकल्स के टायर तैयार करती है। और साथ ही साथ अब ये पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा अर्थ मूवर्स तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैंथर टायर्स की। इंटरेस्टिंगली, पैंथर टायर्स 1980s से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के टायर तैयार कर रहा है। और ये टायर्स ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान, दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। So, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे पैंथर टायर की स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से किस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के टायर्स तैयार किए जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि पैंथर का लेवल ही और है। तो आइए डिस्कवर करते हैं। We'll start to meet the people behind Panther Tires, and right now I'm standing with the young face CEO Panther Tire, Mr. Mia Faisal Iftikhar. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum ji, kya hal hai ji? Allah karam, aap sunaye kaise? Alhamdulillah, theek thaak. Good to see you, mashallah. Sabse pehle hamare viewers ko batayega the legacy of the company, kis tarike se is business mein aaye, kab ye business shuru kiya? ये बेसिकली लेगेसी जो स्टार्ट की थी, ये तो मेरे फादर मियाँ इफ्तिखार अहमद ने की थी। और ये आइडिया बेसिकली पॉप इन हुआ था इन 1981। आई सी। वहाँ से फिर ये जब ये पाकिस्तान में वो प्राइवेटाइजेशन हुई, जब नेशनलिज्म ख़त्म हो के, तो प्राइवेट कंपनीज को भी जब इजाज़त मिली, ज़ियाउल्लाह के दौर की बात है ये, तो वहाँ से जब उन्होंने ये ओपन किया, तो वहाँ से फिर ये जब आइडिया आया, तो उसके बाद फिर इसके ऊपर काम हुआ। तो ये 1981 से, अब हमें पेपर वर्क होते तो 82 हो गया था, तो ये तब से ये पैंथर स्टार्ट हुआ था। सो 80s के शुरू में आप लोग एंटर इनटू द टायर बिजनेस। टायर, आई स्टार्टेड इन टायर। सही। कौन कौन से टायर जो है शुरू में कौन से बनाना शुरू किए, और अब कौन कौन से टायर आप बनाए? ये हम लोगों ने पीस बीज में किया था, स्टार्ट किया था मोटरसाइकिल टायर से। और क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त कंपटीशन जो एज सच तो लोकल तो नहीं था, और सिर्फ इंपोर्ट होता था जो मोटरसाइकिल टायर, तो ये बड़े काफ़ी बड़े योकोहामा भी थे, डनलॉप भी थे, उनके खाली छोटे जो आइटम्स थे, कोरियन टायर भी बहुत आ रहे थे, एवन नाम के भी थे, तो वहाँ पे ये छेड़खानी हुई थी। और बहुत टफ डिसीजन भी था कि इम्पोर्टेड टायर हो, और हमारे तो आपको पता है कॉम में इम्पोर्टेड की तो गुड्डी ज़्यादा चढ़ी रहती है। तो ये वहाँ से फिर स्टार्ट ही मोटरसाइकिल से की, क्योंकि लोग उस वक्त बाइक ज़्यादा था, कारें तो आपको पता है इतनी नहीं, कोई बाइक ज़्यादा है, बाइक तो अभी वो हमेशा से ज़्यादा है, पर उस वक्त देर तो बाइक वॉज द फर्स्ट कॉल जहाँ से शुरू किया था मोटरसाइकिल से। सो इनिशियली पहले इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, कि जो इम्पोर्ट है उसको कम किया जाए, और अब माशाल्लाह एक्सपोर्ट्स में भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब हम लोग को 20 से ज़्यादा कंट्रीज हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कह लें कि एक यूएस को छोड़ दें और एक ये रशियन कॉन्टिनेंट छोड़ दें, तो बाकी तो तकरीबन सारे कॉन्टिनेंट्स में हम जा रहे हैं। बट क्वान्टिटी ऑफ कंट्रीज इतनी नहीं है, 20+ है, बट हम लोग अब उस डगर पे हैं कि विल गोना गो गेट द ग्लोब। माशाल्लाह, माशाल्लाह, विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट,
एक्सेप्टेंस करानी भी बड़ी बात होती है ना दूसरे मुल्कों में, वहां पे तो आपको पता है इंटरनेशनली तो आप दो तीन तो नहीं है, वहां तो 200-300 लोग हैं, तो वहां क्वालिटी की एश्योरेंस के साथ एक्सेप्टेंस करानी और उन लोगों को जो पाकिस्तान की माशाल्लाह जो क्रेडिबिलिटी है उसको देख के भी एक्सेप्टेंस करानी, तो ये एक अलहदा से बड़ी टफ जॉब है। एग्जैक्टली ऐसे तो जनरली क्या चैलेंजेस आते हैं मतलब बिजनेस में, पहले क्या आए और अभी किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? हमारे जो एक मैं आपको बताऊं, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी खोलता है ना तो एक विद इन प्रेमिसेस जो चैलेंजेस है ना वो इतने टफ नहीं होते। हमारे जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं हमारी अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट पॉलिसीज की होती है, और ये नहीं है मतलब आपको ज़ाहिर है लेबर प्रॉब्लम्स है, मटेरियल प्रॉब्लम, क्वालिटी प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं, बट जो अनस्टेबिलिटी है ना गवर्नमेंट की, आज कुछ है कल कुछ होगा परसों कुछ है, तो हमारा जो सारा फाइनेंशियल प्लान या जो कंपनी का पूरा एक साल का प्लान होता है ना वो फिर हम कर नहीं पाते, क्योंकि आपने एक सर्टेन टैक्सेस के साथ, आपने सर्टेन वेजेस के साथ, सर्टेन यूटिलिटी बिल्स के साथ एक अपना पूरा फ्लो बनाते हैं कि जी मेरा कैश फ्लो ये होगा, तो फिर आपको ना स्क्वीज अपनी प्लानिंग को करके दो दो महीने या कई दफ़ा दो महीने भी लगता है कि जैसे दो साल की, क्योंकि आपको एक हफ्ते बाद नहीं पता। सो प्रॉब्लम द मेन प्रॉब्लम है कंट्री की जो ये गवर्नमेंट अनस्टेबिलिटीज है ना ये बहुत तंग करती है, इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। सही बात। अच्छा अब जैसे आपने बताया बाइक्स के टायर आप ज़्यादा बनाते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी टायर्स बनाते हैं, ट्रैक्टर्स के भी गालिबन? हाँ जी हाँ जी, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया मोटरसाइकिल से तो वालिद साहब का एक होता था कि पहले एक चीज़ में परफेक्ट हो फिर दूसरे में, आखिर हम लोगों ने थ्री व्हीलर जिनको रिक्शा टायर ये जो थे वो शुरू किए, उसके बाद फिर हम लोगों ने साइकिल के बीच में टायर ट्यूब शुरू कर दिए, फिर हम लोग आगे जो कमर्शियल वैन्स हैं जैसे सुजुकी है ये छोटे टायर उनमें आए, तो पीसेस में आए, फिर अब ये है कि अब लेटली तो अब ट्रैक्टर के टायर्स भी आ गए। वेरी नाइस। तो जो दो साल तीन साल पहले जो हमने अब एक टायर इंट्रोड्यूस कराया जो कि हमारे कॉम्पिटिशन है वो अर्थ मूविंग टायर्स हैं, जो हमारे ये हंसा गिलगित साइट के ऊपर माइंस के ऊपर चलते हैं ना वो तकरीबन 400-500 kg का टायर है। wow. तो वो हमने तीन साल हुए हैं तो वो हमने इंट्रोड्यूस कराया। हमारा बेसिकली ना ये भी बड़ा एज है कि हम लोग वी आर द क्रिएटर्स, वो फर्स्ट मूव हम लोगों ने ही सिंस 82 से जब से ये कंपनी की बुनियादें रखी पहली मूवी हमने की, तो बाकी तो देखते हैं जो पैंथर कर रहा है उसको दो साल कराओ मार्केट डेवलप करे कस्टमर का माइंड सेट करे फिर हम बीच में प्राइस नीचे करके आ जाएंगे। तो वो आज तक वो अब आप ये देखिए हम पूरे पाकिस्तान में ढूंढ लें सिवाय पैंथर के अभी तक आपको वो अर्थ मूविंग टायर नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली दो तीन साल और गुजरने हैं, हमारे जो दूसरे कॉम्पिटिशन है उन्होंने देखना है कि इन्होंने मार्केट सेट किया अब इससे कीमत नीचे करो और वे बना लो। हमारे ना मुल्क में एक्सेप्टेंस जो है ना वो सबसे मुश्किल है किसी का माइंडसेट चेंज करना, और खास तौर पे जो इलिटरेसी रेट है यहाँ पे जो है एक चीज नहीं आई है ना तो ये दे आर नॉट द रिस्क टेकर्स। मिसाल है अब आप मोटरसाइकिल देख ले CD70 है जिसका नाम आपके हमारे बच्चों ने भी देखा हमने भी इसी शक्ल का देखा आज तक वही शक्ल चल रही है, एक्सेप्टेंस नहीं है। अब जो आपका क्वेश्चन है हम लोग ये पढ़ते रहते हैं ना रिसर्च की है, ये जो ग्लोब है ना ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। यूरोपियंस है ना दे आर मास्टर्ड इन पैसेंजर कार्स, तो फिर उसमें जो दूसरी साइड आ जाए जो कि ट्रकों के बसों के टायर्स हैं, अब ये चाइनीज मार्केट जो है ना जो चाइना है वो बनाते हैं वॉल्यूम्स और वो उसके बाद उतनी महारत उनकी होगी, आप यहाँ पे लोकली बसों को देखे ट्रकों को देखे आपको भरमार चाइनीज की मिलेगी। दे आर दी एक्सपर्ट्स ऑफ ट्रक्स एंड बस टायर्स। और जो एग्रीकल्चर टायर है ना ये सेगमेंट्स है ना तीन, जो एग्रीकल्चर सेगमेंट है वो इंडियंस आर द मास्टर्स, लेकिन जो ये दूसरे मुल्क है इन्होंने जिंदगी इनकी जनरेशन टायर में आई है तो वो एक्सपर्ट्स हो गए। पाकिस्तान जो है ना उन सारी चीजों का मंबा इकट्ठा करके तो एक चीज बना रहा है। अब पैसेंजर में जो सेकंड प्रॉब्लम एक तो एक्सपर्टीज नहीं, दूसरा ये है कि वो रेडियल्स हैं और हमारे यहाँ बायस्टार्स, रेडियल ज़रा सेंसिटिव ज़्यादा होता है और ऊपर से इसका रिस्क फैक्टर इसमें ज़िंदगियाँ ज़्यादा भी काउंट करती हैं तो हम लोग इस चीज़ में हाथ नहीं डालते। सेकेंडली जो है जो स्मगलिंग है हमारे पाकिस्तान में एक और टैग हमें लगा हुआ है मुसीबत का कि जो स्मगल टायर आता है, अब आप ये देखो कि ये तकरीबन 280 बिलियन रुपीज़ की टायर मार्केट है, आप समझ लो $1 बिलियन की पाकिस्तान की जो इधर टायर चलता है। आई सी 30% पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसमें रेडियल आप बायस दोनों मिला लें 30% जो है वो बेसिकली स्मगल हो रहा है, ठीक है, और 40% है जो आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रॉपर तरीके से हो रहा है।
अब जहाँ इतनी स्मगल और स्मगल हो रहा है पैसेंजर कार, अब आप देखो कि एक चीज, मिसाल एक फिगर लेता हूँ, आप एक चीज 10,000 रुपए की बनाते हैं, एक 13 इंच रिम के साइज की, और वही चीज उसको स्मगल होके एक अच्छा ब्रांड मिचेलन है, वो उसको 11,000 की मिसाल पड़ रही है। प्राइस गैप बहुत छोटा है ना। अब अगर हम 10 की दे रहे हैं, स्मगल 18-20 हज़ार का रहा है, तो लोग कहेंगे यार लेट्स ट्राई पाकिस्तान। मेरे ख्याल से जो जिस चीज़ की कमी है वो हम ब्रांडिंग नहीं कर पाते, और यही हमारी भी कोशिश है कि हम लोगों को दिखाएं कि हमारी कंपनियां किसी से पीछे नहीं है, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक प्रोडक्ट बनाते हैं। वो तो बनाते हैं, हाँ जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अभी जैसे आपने एक तो पाकिस्तानी मार्केट की बात की, अगर हम दुनिया में देखें तो ये कितनी बड़ी मार्केट है टायर्स की। दुनिया में तो मेरा ख्याल, अगर आप ये इतना सा, ये 25 करोड़ की आवाम का मुल्क देखें, तो अगर इधर 1 बिलियन डॉलर है, तो दुनिया में तो ये ट्रिलियंस की है। ये तो आप कैलकुलेट करने जाए, आप जैसे हम, वो मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, अभी टॉप 50 कंपनीज में माशाल्लाह हमारा भी नाम आया है, जो इंटरनेशनल ये ना होता है ये चेक करते हैं, तो उसमें हमारा को 17th नंबर। तो दे डू काउंट एवरीथिंग, बट अगर ये पूरी दुनिया की देखें तो मेरा ख्याल ये तो नेवर कैलकुलेटेड, ट्रिलियंस में ही होगी, डॉलर्स में होगी। और उसमें मैं जानना ही चाह रहा था कि पाकिस्तान का कितना हिस्सा है, और आपको क्या लगता है किस तरीके से हम मजीद हिस्से को कैप्चर कर सकते हैं पाकिस्तान का? देखें, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग को 20% ऑफ हमारी एक्सपोर्ट हो रही है। इसी तरह हमारे कॉम्पिटिशन है, उनकी भी कुछ 20-30 के करीब उनकी भी हो रही है। क्योंकि अभी तक तो वर्ल्ड में देख लें तो यही पार्टिसिपेशन हम कर सक रहे हैं ना, कुछ 20 हमारी होगी, 20-30 उनकी होगी। तो जो अब जो हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं ना, अब जैसे बनाने वाले पाकिस्तान में थोड़े 2 या 3 लोग हैं, अब अगर यहाँ से कोई 20-25 लोगों का हुजम जाए ना, एक्सपोर्ट करे, तो फिर दुनिया को पकड़ने के लिए आपके एक वक्त में पेनिट्रेट जब ज़्यादा करते हैं ना, तो एक्सेप्टेंस ज़्यादा आती है। अब आज से पीछे चले गए, जो जापानीज जब शुरू हुए थे तो उनकी एक्सेप्टेंस दुनिया में ज़्यादा थी, चाइना को ऐसे इतना नहीं पूछ रहे थे, कोरियंस को नहीं। तो जैसे जैसे उनकी अपनी अंदर इंडस्ट्रीज बढ़ी, एक्सपोर्ट उनके गई हैं, तो फिर लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दिया। तो ये डिपेंड है कि आप किस थ्रस्ट और किस क्वांटिटी से पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो फिर लोगों को नज़र, और जो नज़र आता है फिर वो उसके पीछे लोग फॉलो भी करते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, आखिर में ज़रा बताइएगा कि अगर मैं पूछूं पैंथर टायर्स की स्ट्रेंथ क्या है, या आपका व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग पॉइंट जो आपकी प्रोडक्ट को दूसरों से मुनफरिद करता है, वो क्या है? हमारा जो है ना बेसिक, जो स्टार्ट में कहा है ना, जो ट्रेंड सेट होता है, जब कोई नई चीज़ आती है तो मतलब विद इन द थॉट के जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा ना, एक जो पहला आए वाला वो जो एक कदम है ना, उस वो हमारी काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है, कि वी आर द इंट्रोडक्टरी, हर चीज़ में नया स्टार्ट लेना। बट द थिंग इज़ कि आप इंट्रोड्यूस क्या चीज़ करा रहे हैं और हट के क्या करा रहे हैं। फिर वो होता है कि अब जैसे हमने ये एक बड़ा OTR का टायर बनाया, हो सकता है इससे पहले हमारी दूसरे टायर की इतनी सेल या उतनी एक्सेप्टेंस लोगों में, अवेयरनेस ना, इसको देख के वो कहते हैं यार पैंथर ये भी कर रहा है, पैंथर ये भी कर रहा है, पैंथर ये भी कर रहा है। एक यूनिकनेस एंड वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो हम ले लेते हैं ना, ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और दूसरा, हमारे यहाँ पे ठीक है, आई एम बीइंग द CEO, हम मेरे में ना वो रेड कारपेट वाला काम नहीं है। मैं मतलब हम एक एज अ टीम है, उसमें CEO गया तो मुलाजिम गया, तो nice. हैं तो इकट्ठे ही हैं, क्योंकि गेट से बाहर ना CEO का नाम आना है, ना किसी सेल का, वो आना जी पैंथर के, पैंथर ने क्या किया। सो वी सेकंड के मुझे होता है कि हम लोगों में फर्क नहीं है, तो ये भी एक एज है हमें। वेरी नाइस, यू वर्क एज अ टीम, दैट्स ग्रेट। और इसी वजह से माशाल्लाह आप जो है एक्सेल कर रहे हैं, और जिस तरह आपने कहा कि आप ट्रेंड सेटर हैं, तो नए से नए ट्रेंड्स और क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इन सब पे भी बात करेंगे। आगे हम दिखाएंगे, ख़ास तौर पे विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और पैंथर के नाम से जो है इन्होंने एक नया अपना प्रोडक्ट वो किया है, उस हवाले से हम इनकी डायरेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और विश यू गुड लक। थैंक यू। आगे चल के नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इनोवेशन लेके आ रहा है पैंथर, CSR पे क्या क्या काम किया जा रहा है। So as I said, Panther Tire women empowerment पे बहुत काम कर रहा है, एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग विद द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मिस आयशा इफ्तिखार, जो कि एक मिसाल है एम्पावर्ड वुमेन की। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। अच्छा, मेरे पीछे बड़ी मजे की स्कूटीज जो है वो आपकी नजर आ रही हैं, और पैंथर टायर जो है खास तौर पर बड़ा अच्छा लगता है, खवातीन जो है वो बाइक राइड कर रही हैं, उसके लिए क्या काम कर रहा है? बहुत काम कर रहे हैं, बट इट्स पाइपलाइन में है। अभी जो हम लोगों ने लॉन्च किया है वो फीमेल टायर है, विच इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव एवर टेकन इन अ कंट्री। सो आई एम माशाल्लाह प्राउड टू अनाउंस दैट वी आर द फर्स्ट कंपनी हु हैव इंट्रोड्यूस्ड
something which can empower women. Empower women, enabling them to ride a bike and be financially independent. So mera khayal hai hamare mulk mein, I always say in all my interviews, women are always empowered. It's just when they realize ki kab hum logo ne apne aap ko itna bashaur karna hai ki hum apni economical freedom ke liye bahar niklein. Aur mera khayal hai कन्वेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें अगर आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को मैनेज कर सकते हैं तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं. सो दिस वाज एन आइडिया वेयर व्हेन आई वाज इन वेस्ट आई ऑलवेज यूज्ड टू रियलाइज कि वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती और जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती वहीं पर एक मुल्क तरक्की करता है. सो 51% ऑफ वेमेन इन आर पॉपुलेशन इज फीमेल्स. वाई आर वी यू नो सिटिंग आइडल and waiting for the guys to come and help us in reaching our destination. When I started this venture, I realized ki hum logo ne kis tarike se hum is ko leke chal sakte hain. Not that our company needs to introduce a female tire, it's just a CSR activity. It is a corporate social responsibility to make a change in the society. And as a country, as a nation, as a national, Pakistani national, what is my input to enable women? Right. So this came in my my head, and then I discussed it with the with my father and my brother, because we three work as a team, and they completely encouraged me in what I wanted, and I have more plans. Mashallah. Allah mian khair rakhe. हम लोगों ने pipeline में बहुत सारी चीजें सोची हुई हैं. अच्छा, उन चीजों की तरफ भी आएंगे. और बड़ी अच्छी आपने बात की. Discover Pakistan खुद इस चीज पे बहुत ज़्यादा जोर देता है. बल्कि हमारा एक प्रोग्राम है Discovery Ride. अब तो पाकिस्तानी खवातीन जो है वो माउंटेन्स तक जाती हैं बाइक राइड करके. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. आपने CSR की बात भी की. आजकल पूरी दुनिया में कंपनीज जो है वो CSR एक्टिविटीज करती हैं. थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा उसमें क्या क्या काम. और अगर हम बात करें तो सस्टेनेबिलिटी पे भी बल्कि बहुत काम हो रहा है. बिल्कुल, बिल्कुल. अब एनवायरनमेंट को किस तरीके से हम अपने बचाएं, बिल्कुल. उसके लिए पैंथर क्या काम कर रहा है? पैंथर ने जी अभी हम लोगों ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें पिंक रिबन है. देन आई पर्सनली हैव विजिटेड गवर्नमेंट स्कूल्स व्हिच आई वुड थिंक के टू माय एक्सपेक्टेशंस दे वर डूइंग वेल. बट आई थिंक स्कूल्स एक ऐसी आपकी प्रोसेस है जिसमें अगर आप शुरू से अवेयर कर दें बच्चों को, स्पेशली फीमेल्स को, तो उन लोगों का माइंडसेट बिल्कुल चेंज होता जा रहा है. स्कूल्स आर हेल्पिंग आउट, वुमेन आर मोर अवेयर, द यंग गर्ल्स आर वेरी अवेयर नाउ. सो आहिस्ता आहिस्ता वी क्रिएटिंग यू नो अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल दीज यंग गर्ल्स कैन कम अप. अब CSR में हम लोगों ने जैसा पिंक रिबन किया वो तो सारे लोग कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे अनटैप्ड मार्केट्स हैं जिधर आई वेंट एंड आई विजिटेड दिस स्पोर्ट्स सेंटर, एंड टू माई सरप्राइज देयर सो मेनी अमेजिंग फीमेल्स. इतनी पैशनेटली वो अपने स्पोर्ट को लेके चल रही हैं. सो आई यू नो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू हैव हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर, बिस्मा मारूफ. तो उनकी मैं पर्सनली गई, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को विजिट किया और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि हम लोगों ने एक जो मेरी पाइपलाइन में काम है वो मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज़रूर बनाए जिसमें हमारी मैसेस को फ़ायदा हो. और मैसेस को फ़ायदा इस तरह है कि आई एम प्लानिंग टू हैव अ वेरी स्पोर्टी इकोनॉमिकली अफोर्डेबल लाइन वर आई कैन हैव अ सर्टन परसेंटेज टू द अंडर प्रिविलेज्ड एंड देन अ गुड परसेंटेज टू. सो देर ऑल ऑन पाइपलाइन बिकॉज इधर बहुत कॉम्पिटिशन्स भी हो जाते हैं. सो आई नीड टू इकोनॉमिकली सी के हम लोगों का कहाँ पर बैलेंस हो जाता है. अदरवाइज दिस इज़ अ मॉडल विच आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस एंड इट्स अगेन everything is just going to be inshallah introduced this inshallah, year inshallah inshallah yeah, I mean, so, cheeze sari pipeline ke andar hai aur aapne bilkul sahi kaha, very well said ke pakistani khawateen jo hain wo empowered hain, wo kisi se kam nahi hain. bilkul bhi kisi bhi profession mein aap jaye to aapko mashallah lead karte hue nazar aate hain. aur ye bhi mujhe bada acha laga ki aapki company mein khawateen bada numaya kaam karte hue dikhai dete hain. bilkul ji bilkul, that is a good sign. so abhi jaisa aapne future plans ki kuch baat kari, thoda sa hamare nazreen ko batayega hame kuch. aur ye bada acha mujhe laga panther, matlab panther ko आपने जो है वो चेंज किया एक विमेन सिंबल में. तो आप खवातीन के टायर्स आ रही हैं, सो आर यू कमिंग इन द ईवी बाइक्स एज़ वेल? यस, बिकॉज़ इट्स वो कहना चाहिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली. एवरीवन इज गोइंग, ऑल द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सो व्हाई कांट वी इवेंचुअली, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, इट्स जस्ट द
you know, the wave that has to hit the the end user. Yes. So we're on it, and it's my dream if all the women come up with the, matlab, it's just going to be more independent. It's going to be more affordable. So EV mein hum bahut kaam kar rahe hain. These are the few EV models that I've introduced, so that they're more attractive for a female to come and buy them. Because akela tire to is just, you know, a tire. Yes. So why can't I own the journey? Yes. So not? If I wanted to own the journey, I started working out, because this pink scooty was my childhood imagination ki main ji Vespa ki scooty chalaungi pink. It's nice. It's so maine apne pehle tire ka naam hi freedom rakha tha. Sahi. So freedom is like you're free. So you're making every woman's dreams come true. Yeah, absolutely. कि सिर्फ आपका ही नहीं, तमाम खवातीन जो जाती थी, और ये बड़ा क्लासी मुझे लगा कि इस पे आप जो है और बड़ा ही अब इसके ऊपर हमने बड़ी सोच के इसके ऊपर लिखा हुआ है योर डेस्टिनी. इसको हमने ना फीमेल पावर की है. यू नो फीमेल पावर डजंट मीन दैट वी आर लेटिंग द मेल्स यू नो फील बैड अबाउट देमसेल्व्स. इट्स हेल्पिंग देम. यस. वो कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो एक आदमी और एक औरत है. सो हम औरत के साथ हमेशा से कभी भी एसोसिएट नहीं कर सकते कि एक औरत बाइक चला सकती, बिकॉज एक ये ट्रेंड नहीं था. सो वो आपने ब्रेक थ्रू करना है एक ऐसा ट्रेडिशन जो कभी इसको ओनरशिप नहीं मिली थी औरतों की तरफ से. अगर हम अपनी बाइक को ओनरशिप दे दें और अगर कॉर्पोरेट कंपनी इसको वैलिडेट कर देती है, तो यू नो इससे एक चेंज आ जाएगा. हम चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं. चेंज आप देख रही हैं सोसाइटी में, माशाल्लाह बाहर है. यू नो टू माई सरप्राइज हमारी बहुत अच्छी सेल आ रही है पिंक टायर की, तो आई एम श्योर वो कहीं लग ही रहा है तो आ रही है ना. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो वो मैं सेल्स टीम को अक्सर पूछती रहती हूँ, बिकॉज व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड आई थॉट नहीं अभी टाइम लगेगा, बट एक्चुअली टाइम इतना लगा नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. हाँ जी, टाइम आ गया. और फिर उसी के प्रेशर में आके मुझे ये सोचना पड़ा कि आई नीड टू कम. अगर पीपल हैव ट्रस्ट इन माय टायर, they will inshallah have enough trust in the vehicle that I manufacture. So it's in the pipeline. So definitely. Let's see. थैंक यू वेरी मच. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो आपने बात कही, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि लोग इस बात को समझें. पहले कहा जाता था बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. अब ये कहा जा सकता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन एज वेल. एब्सोल्युटली जी, ये तो 100% आपके साथ. अगर आपकी टीम वर्क नहीं ठीक, अगर मेरे फादर की मेरे साथ सपोर्ट ना हो, तो दिस हैज नेवर, आई वुड हैव नेवर बीन स्टैंडिंग हियर. Because it's a male centric organization, and we change the taboo. Because agar ek parent ke paas beti aur beta hai, to usme in dono ko equal right hona chahiye. Exactly. Thank you very much. Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. So viewers, आपने गुफ्तगु मुलायजा की. Panther Tyres जो है बहुत जल्द EV bikes में भी आने वाला है, लेकिन Panther Tyres जो इतने बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक टायर्स बनाता है, ये कैसे तैयार किए जा रहे हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे इनकी फैक्ट्री में बनते हुए. लेकिन हमें यहाँ पर लेनी एक ब्रेक. आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए. ये आपको एक शीट सी नजर आ रही होगी. बेसिकली ये टायर कोट फैब्रिक के अंदर जो है फाइनल बैच जो कि कंपाउंड खास किस्म का तैयार किया गया था, उसको मर्ज किया गया है. टायर्स की फैक्ट्री में बहुत बड़ी तादाद में टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस तरह के 3-4 रॉ मटेरियल स्टोर्स इनके पास हैं. आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में ये रॉ मटेरियल जो स्टॉक करते हैं, उसमें सबसे पहले ना सिर्फ सिंथेटिक रबर बल्कि नेचुरल रबर जो है वो भी स्टोर किया जाता है. इसके अलावा कार्बन और 100 से ज़ायद मुख्तलिफ केमिकल्स जो एक टायर को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि 100 से ज़ायद मुख्तलिफ केमिकल्स ये अपनी टायर की मेकिंग रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ इन रॉ मटेरियल सोर्स से इनको शिफ्ट किया जाता है सबसे पहले कंपाउंड सेक्शन में, जहाँ एक ख़ास किस्म का मिक्सचर और कंपाउंड तैयार किया जाता है. वो कैसे, आइए अब आपको वो दिखाते हैं. So
सो हम आ चुके हैं व्यूज इस वक्त पैंथर टायर्स के प्लांट के अंदर, जहां पर टायर बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। इसे हमने आपको दिखाया कितनी बड़ी तादाद में रॉ मटेरियल्स को स्टॉक करते हैं, जिसमें ना सिर्फ सिंथेटिक और नेचुरल रबर होता है, कार्बन होता है, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में, 100 से ज़ायद की तादाद में जो है मुख्तलिफ केमिकल्स यूज़ होते हैं। सो उन केमिकल्स को लाया जाता है इस पर, ये कंपाउंडिंग सेक्शन है, और यहाँ पर होता क्या है कि जो भी रबर है और जो केमिकल है उसका वेट किया जाता है, एक रेसिपी के हिसाब से तैयार किया जाता है, उसको फिर शिफ्ट किया जाता है, भेजा जाता है इस मशीन के अंदर। ये मशीन क्या करती है, ये उस सब को एक हीट देती है और एक कंपाउंड की फॉर्म में लेकर आती है, एक ऐसा सब्सटेंस तैयार होता है, और उस सब्सटेंस को फिर आगे एक और कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, इसको ठंडा करके एक शीट तैयार की जाती है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है टायर का। आगे उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है वो भी आपको दिखा दें। केमिकल्स और रबड़ को मिला के जो एक मिक्सर तैयार किया जाता है, कंपाउंड तैयार किया जाता है, वो लंप की सूरत में फिर ये नीचे इस मशीन में भेजा जाता है, जो ना सिर्फ उसको एक और मर्तबा मिक्स करती है, एक शीट की शक्ल देती है, और ये मास्टर बैच तैयार हो जाता है। ये बेसिकली मेन कॉम्पोनेंट है टायर बनाने के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो मास्टर बैच तैयार हुआ है, इसको और मल्टीपल प्रोसेस से गुजारा जाता है, इसमें कुछ और केमिकल्स ऐड ऑन किए जाते हैं, इसको मिक्स किया जाता है, और फिर एक फाइनल बैच तैयार किया जाता है। जब ये फाइनल बैच तैयार होता है, फिर इसको आगे एक और मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें एक लिक्विड फॉर्म में केमिकल इस पर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, ये स्टिक करता है, ताकि इसकी वो चिपकने वाली जो इसकी खासियत है वो ख़त्म हो जाए। और फिर जब ये फाइनल बैच तैयार हो जाता है, तो इसको भेजा जाता है क्वालिटी लैब में, ताकि चेक किया जाए कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये फॉलो करते हैं उसके मुताबिक ये चीज़ तैयार हुई है, क्योंकि 80% टायर जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इस पर क्या वो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है या नहीं है, ये तमाम तो चीज़ें फिर क्वालिटी लैब में चेक की जाती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो दोबारा इसको जो है वो ठीक किया जाएगा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। आगे चल के आपको क्वालिटी लैब दिखा दें। मिक्सिंग मशीन्स में जो कंपाउंड तैयार होता है, चाहे वो मास्टर बैच हो या फाइनल बैच हो, दोनों को यहाँ पहले क्वालिटी लैब में चेक किया जाता है कि उसकी प्रॉपर्टीज ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं। और इस क्वालिटी लैब में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या काम होता है, इसमें हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनके प्लांट मैनेजर मलिक जाहिद महमूद साहब। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पैंथर के पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है, और इसी की टेस्टिंग के बेस के ऊपर हम नेशनल स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, जो हम हमारी एक्सपोर्ट पे भी जाते हैं। माशाल्लाह, इसमें हमारे पास रबर के जितने भी पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर्स मुख्तलिफ मशीनों के ज़रिए चेक किए जाते हैं और वेरीफाई किए जाते हैं, और एक कंपाउंड बनने से जब तक इस क्वालिटी से सर्टिफाइड नहीं होता, उस वक्त तक वो प्लांट पे रिलीज नहीं होता। अच्छा, तो हमारी लैब जो है ISO सर्टिफाइड लैब है, और उसके अलावा अब हम बहुत जल्द इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन में भी जा रहे हैं। वेरी नाइस। क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए जब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी मुख्तलिफ कंट्री से आती है, तो वी कैन मीट दैट रिक्वायरमेंट इसी लैब के मुताबिक। अच्छा, वेरी नाइस। यानी कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। नहीं, और इसीलिए कहा जाता है कि पैंथर का लेवल ही और। जी, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ मशीन्स हैं, तो ये क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें इसकी चेक की जाती हैं, या वैसे जो आपने कोई प्रॉपर्टी सेट की? देख, बेसिकली यहाँ पे जो कंपाउंड वहाँ बन रहा है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह डल रहे हैं, ऑल दो प्रोसेस पैरामीटर्स के हिसाब से वहाँ पे चेकिंग अलग है, लेकिन उसकी एक कंप्यूटराइज ये टेस्टिंग होती है कि अगर उसमें माइनर वेरिएशन भी आती है, वो ये मशीन डिटेक्ट करती है। अच्छा। और वो डिटेक्ट करके जब हमें रिजल्ट मिलता है, देन हम उसको होल्ड कर लेते हैं या उसको रीप्रोसेस करते हैं, जब तक यहाँ से लैब पास भी करेगी वो आगे रिलीज भी करेगी। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, क्योंकि इसी फैक्ट्री के अंदर आप मोटर बाइक्स के भी टायर बना रहे हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स के बड़े बड़े टायर्स बना रहे हैं,
सब टायर्स के लिए अलग अलग किस्म के कंपाउंड्स तैयार होते हैं या एक ही कंपाउंड जो है फिर मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं? नहीं, हर टायर के एक स्पेसिफिक यूज़ है और स्पेसिफिक की रेंज है लोड और स्पीड के लिहाज से, तो कंपाउंड जो है ना हर टायर का सेम नहीं हो सकता। अच्छा, वो अलग बनता है। मोटरसाइकिल के अलहदा होते हैं, ट्यूब के अलहदा होते हैं, लाइट ट्रक यानी कि पिकअप वगैरह के अलहदा है, एग्री के अलहदा है, हाई स्पीड पर जाएँ तो वो अलहदा होते हैं। तो हर टायर के अंदर एक कंपाउंड नहीं होता, हर टायर में मुख्तलिफ तीन चार पाँच से किस्म के कंपाउंड होते हैं। उन सब की जब तक कंप्लीट टेस्टिंग नहीं होगी टायर जो है आगे बनने के लिए रिलीज नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच मलिक जाहिद साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जान के बड़ा अच्छा लगा कि इतना अच्छा काम जो है पेंथर टायर्स के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रहा है। जिस तरह इन्होंने कहा कि हर टायर के मुख्तलिफ कंपाउंड्स तैयार होते हैं, उन कंपाउंड्स को यहाँ से जब क्वालिटी लैब से उसको अप्रूवल मिलती है तो फिर आगे ये मुख्तलिफ सेक्शंस में भेजते हैं जहाँ पर हर सेक्शन के अंदर अलग किस्म के टायर्स बने होते हैं। अब ये टायर्स कैसे कैसे तैयार हो रहे हैं आगे चल के आपको वो दिखा। इस वक्त हम मौजूद हैं पेंथर टायर्स के कैलेंडरिंग सेक्शन में एंड लुक एट दिस जाइगेंटिक मशीन। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट मशीन जो कि टायर सेक्टर में इस्तेमाल होती है इस प्रोसेस के लिए। इट्स अ कंट्रोल्ड प्रोसेस। और यहां पर होता क्या है, टायर कॉट फैब्रिक जिससे मुख्तलिफ प्लाइयां बनती हैं, तो टायर कॉट फैब्रिक जो है उसको इंस्टॉल किया जाता है एक जगह पर और दूसरी जगह पर क्वालिटी लैब से जो फाइनल बैच अप्रूवल के बाद यहां भेजा जाता है उसको डाला जाता है और ऑटोमेटिकली ये मशीन जो है फाइनल बैच है उसको इस कॉट फैब्रिक के अंदर मर्ज करती है। सो इट्स अ कंट्रोल प्रोसेस। इससे होता क्या है कि एक तो प्रिसीजन आती है और एफिशिएंसी के साथ काम होता है और हाई क्वालिटी हाई प्रिसीजन प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर तैयार होती है। सो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आपको एक शीट सी नज़र आ रही होगी, बेसिकली ये टायर कॉट फैब्रिक के अंदर जो है फाइनल बैच जो कि कंपाउंड खास किस्म का तैयार किया गया था उसको मर्ज किया गया है और ये बड़ा ही प्रिसाइज एक इवन फॉर्म में जो है बाहर आता है और फिर उसको आगे मुख्तलिफ टायर सेक्शंस में भेजा जाता है जहां मुख्तलिफ इकसाम के टायर्स तैयार होते हैं। सो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है यहाँ पर, कितना बेहतरीन जो है काम यहाँ पर पेंथर टायर्स में किया जा रहा है और इसी वजह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक जो है प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार की जाती है। आगे चल के आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ टायर्स कैसे प्रोसेस होते हैं। फॉर्चुनेटली इस तरह के ह्यूज टायर्स पेंथर टायर इस फैक्ट्री के अंदर तैयार कर रहा है और ये विद द प्राउड टैग ऑफ इन पाकिस्तान। मौजूद है पेंथर टायर्स के सेमी फिनिश टायर सेक्शन के अंदर। सो हमने आपको दिखाया कैलेंडरिंग सेक्शन में एक मेजर कंपोनेंट जो है वो तैयार होता है टायर कॉट शीट का और वो शीट लाई जाती है यहाँ पर। सबसे पहले उसकी कटिंग होती है, उसकी मुख्तलिफ प्लाइयाँ बनाई जाती हैं टायर के हिसाब से मुख्तलिफ साइज में, मशीन के जरिए ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं उसकी कटिंग होती है। और फिर इसके अलावा अब ये कंपोनेंट तैयार हो गए टायर के अंदर, जनरली तीन चार किस्म की चीज़ें जो हैं उनको असेंबल किया जाता है, मिलाया जाता है तो टायर तैयार हो जाता है। इस सेमी फिनिश टायर सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि मुख्तलिफ किस्म की प्लाइयाँ तैयार हो गई, साथ ही साथ आपको ये रिंग्स नज़र आ रहे होंगे। अब जैसा कि बड़े टायर के हैं तो इस तरह के रिंग्स भी इंटरेस्टिंगली पेंथर टायर्स खुद तैयार करता है। इसके लिए ख़ास किस्म का मेटल होता है और उस मेटल के ऊपर जो है कोटिंग की जाती है बाकायदा तौर पर कंपाउंड की। तो आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ प्रोसेस, ये इस तरह के तार तैयार की जा रही है, इस तार के ऊपर जो है कंपाउंड को पेस्ट किया जाएगा या इसको उसमें मर्ज किया जाएगा तो फिर बीड तैयार हो जाएगी। अपनी ज़बान में इसको बीड कहते हैं जो कि टायर के अंदर इंस्टॉल की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो तीसरा कंपोनेंट बन रहा है वो है टायर का जो अपर सरफेस होती है, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, और उसके लिए पूरी एक मशीन है जो कि उसकी ख़ास किस्म की रेसिपी के ज़रिए जो है उसकी अपर सरफेस तैयार करती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये शक्ल होती है इस अपर सरफेस की।
तो ये जो अपर सरफेस तैयार होती है इसको फिर असेंबली सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहाँ इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक सेमी फिनिश टायर जो है वो तैयार हो जाता है, और फिर उस सेमी फिनिश टायर को आगे फिनिशिंग के लिए अगले सेक्शन में भेजा जाता है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं असेंबल कैसे होता है और किस तरीके से एक सेमी फिनिश टायर तैयार होता है। सेमी फिनिश टायर का जो रिंग तैयार होता है उसको फिर अब फिनिश टायर की शक्ल दी जाती है, और इस वक्त हम इनके फिनिश सेक्शन में मौजूद हैं। मेरे पीछे आपको फिनिश टायर नज़र आ रहे होंगे, ये किस तरह तैयार होते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस सेमी फिनिश टायर के रिंग को पहले इस मशीन पर रख के एक फिनिश टायर की शेप दी जाती है, और फिर इसको या राइट साइड पर अगर हम आपको दिखा सकें तो बहुत बड़ी तादाद में मोल्ड्स की मशीन लगी हैं। इनको इन मोल्ड्स मशीन के अंदर रखा जाता है, और जिस किस्म का टायर आपने बनाना है उस तरह का फिर उसको टेम्परेचर दिया जाता है, उस मोल्ड के ज़रिए इसको शेप दी जाती है, और इसके अंदर जो है एक एयर बैग जो कि ट्यूब टायर का होता है वो भी रखा जाता है, और एक मखसूस वक्त तक एक मखसूस टेम्परेचर में इसको हीट दी जाती है, और फिर बाद में जो है एक फिनिश टायर जो है बाहर आ जाता है। इंटरेस्टिंगली फ्रंट व्हील के लिए अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं, बैक व्हील के लिए अलग होती हैं, फिर जो कमर्शियल जिस तरह के रिक्शा वगैरह चलते हैं उनके लिए टायर्स की अलग स्पेसिफिकेशन होती है। क्योरिंग सेक्शन से फाइनल प्रोडक्ट को पैकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां सबसे पहले उसका क्वालिटी चेक होता है, देखा जाता है, बगौर जायजा किया जाता है कि किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है इस टायर में, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार हुआ, और फिर फाइनली उसको मुख्तलिफ मशीन्स पर पैक कर दिया जाता है विद दिस गोल्डन रिबन। और आप देख सकते हैं, अच्छा ये जो टायर है इसके अंदर ट्यूब को भी इन्होंने इंस्टॉल किया है, ये बगैर ट्यूब के और ट्यूब के साथ दोनों तरीक़ों से जो है वो टायर को पैक करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। और इंटरेस्टिंगली पैंथर टायर्स की फैक्ट्री में तैयार होने वाले ये टायर्स जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े लेवल पर बड़े बड़े टायर्स ये लोग तैयार कर रहे हैं, जो कि ट्रैक्टर ट्रॉले और इसके अलावा बड़े बड़े कंटेनर्स की बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक मशीन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। वो कैसे तैयार किए जाते हैं आइए अब देखें। पैंथर टायर की फैक्ट्री के अंदर मोटर बाइक का टायर कैसे तैयार होता है ये तो आपने डिटेल में देखा। इस वक्त हम मौजूद हैं पैंथर टायर्स के फोर व्हील टायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन के अंदर, और यहां पर बड़े बड़े साइज के टायर्स जो हैं वो क्योर किए जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हैं इनके अंदर ट्रैक्टर के ट्रॉली के और बड़े बड़े कंटेनर्स जिस पे जाते हैं उसके टायर्स यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। तो प्रोसेस द सेम लेकिन डेफिनेटली उसकी रेसिपी डिफरेंट होती है। और फिर ये जो रिंग्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं ये पहले तैयार किए जाते हैं, ये सेमी फिनिश टायर है इसका, और इसको इस मशीन के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा और एक ख़ास टाइम तक इसको जो है टेम्परेचर दिया जाएगा, और फिर इसको शेप दी जाएगी बड़े बड़े ट्रैक्टर के टायर आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस तरह के एक टायर पड़ा है और ये बड़ा ये बहुत हैवी है, एक बंदा इसको शायद उठा भी नहीं सके। ये बड़े बड़े टायर यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, और ये टायर्स भी पूरे पाकिस्तान में जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। एक बात जो यहाँ पर बहुत अहम है बताने की कि पैंथर टायर पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो कि अर्थ मूवर टायर्स बना रहे हैं। ये वो ख़ास किस्म के टायर्स हैं जो कि माइनिंग के अंदर जो भी मशीन्स जाती हैं उनके साथ इस्तेमाल होते हैं, या बजरी का कंस्ट्रक्शन का जहाँ काम हो, दे आर वेरी रफ एंड टफ टायर्स, बड़ी हैवी मशीन्स को ये उठा कर जो है इनकी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं। सो आगे चलते हैं, हम आपको इनका डिस्प्ले सेक्शन दिखाते हैं कितने मुख्तलिफ इकसाम के टायर्स जो है पैंथर टायर की फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं। आइए फाइन
फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं पैंथर टायर की फैक्ट्री में तैयार होने वाली एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। और आप देख सकते हैं कि हर साइज का, बल्कि मुख्तलिफ साइज के ये टायर जो है इस फैक्ट्री के अंदर तैयार कर रहे हैं, चाहे वो मोटरबाइक के टायर हों, रिक्शा के टायर हों, या आप स्कूटी के टायर हों। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खास तौर पर फ्रीडम के नाम से ये टायर्स तैयार कर रहे हैं, जो कि ईवी बाइक्स पे इस्तेमाल होते हैं, और हमारी ख्वातीन उन ईवी बाइक्स पे कहीं भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार की जा रही है ट्रैक्टर और ट्रॉली के लिए। आप देख सकते हैं कि हर साइज़ का टायर जो है वो तैयार किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीन्स पे ये टायर इस्तेमाल होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये तमाम तर टायर्स ना सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था कि पैंथर टायर पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो कि अर्थ मूवर्स तैयार कर रही है। ये अर्थ मूवर्स क्या हैं, ये अब वक्त आ गया आपको दिखाने का। आप देख सकते हैं ये टायर जो मेरे साथ है, दिस ह्यूज टायर, और इसका वजन तकरीबन 350 से 400 किलो है। ये है वो अर्थ मूवर्स जो पैंथर टायर की इस फैक्ट्री के अंदर तैयार हो रहे हैं। और ये अर्थ मूवर्स जो हैं माइनिंग जैसे सेक्टर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, कंस्ट्रक्शन की, जहां बड़े बड़े ह्यूज कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, बड़ी मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स पे ये अर्थ मूवर्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और फॉर्चुनेटली इस तरह के ह्यूज टायर्स पैंथर टायर इस फैक्ट्री के अंदर तैयार कर रहा है, और ये विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। इस तरह मैं हमेशा कहता हूँ ये प्रोडक्ट्स हमारा प्राइड है, हमारा फ़ख्र है, इनको बनाने वाली ये फैक्ट्रियाँ हमारा प्राइड है, हमें इन्हें ओन करना चाहिए। और ये बात याद रखनी चाहिए, बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो भी चीज़ें तैयार की जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक होती हैं। और अब पैंथर टायर जो टायर तैयार कर रहा है वो किंग 56 के एक ब्रांड नेम के साथ तैयार कर रहा है, जो कि हमारे चैंप बाबर आजम भी इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह बाबर आजम ने कहा, पैंथर टायर का लेवल ही और है। आज के इस प्रोग्राम में आपने डिटेल में देखा होगा कि किस तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट मशीन के ज़रिए ये तमाम तर प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं। हमारी ख्वाहिश यही है कि ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट हों, पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाए, पाकिस्तान की इन कंपनियों को फ़ायदा हो। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।